शमी को टारगेट करने वालों पर भड़के विराट कोहली, अनभक्तों ने फैलाई अभद्रता तो रवीश कुमार ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद मोहम्मद शमी को धर्म के आधार पर जिस तरह से निशाने पर लिया गया पूरी दुनिया ने देखा और इसे चिंताजनक बताया। हालांकि देश भर से बड़े बड़े दिग्गज मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आए। देखते ही देखते कप्तान विराट कोहली ने भी चुप्पी तोड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के सपोर्ट में खुलकर बयान दिया और असामाजिक तत्व को खरी खोटी सुनाई। विराट कोहली का बयान और शमी के सपोर्ट में खुलकर बोलना देश के राइट विंग को कुछ खास पसंद नहीं आया। मुस्लिम शब्द से नफरत करने वाले नफरती चिंटुओं को एकता की बात भला कैसे पसंद आती। अंजाम ये हुआ कि उन्होंने विराट कोहली को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। इलेक्शन का समय है, समझ आता है, लेकिन नफरत की आग में इस कदर गिर जाना किसी को भी परेशान कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि राइट विंग के लोग कैसे नाम बदल बदल कर विराट कोहली की 8 महीने की बच्ची के बारे में अभद्रता फैला रहे हैं। अभद्रता का स्तर इतना गंदा है कि हम आपको बता या दिखा नहीं सकते। मोहम्मद शमी को टारगेट करने के बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जो अनभक्तों के मुंह पर जोर का तमाचा साबित होती दिखाई दे रही है। तस्वीर को शेयर किया है NDTV के सीनियर एडिटर रवीश कुमार ने। रवीश कुमार ने पाकिस्तान के एक पत्रकार की तस्वीर शेयर की है, जो धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। रवीश कुमार ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, शिराज हुसैन पाकिस्तान के पत्रकार हैं। ट्विटर पर उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है। पाकिस्तानी टीम के फैन की जर्सी पर धोनी का नाम लिखा है। नफरतों को छोड़िए, दुनिया हंसेगी आप पर। आपका किरदार काफी बड़ा है, उसके मैयार को समझिए। रवीश कुमार के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। फारिद मोतीवाला नाम के यूजर लिखते हैं, इन नफरती ट्रोल को प्यार भाईचारा अभी समझ में नहीं आएगा। एक दिन इनको सहानुभूति प्यार भाईचारे की जरूरत पड़ेगी, तब इनको याद आएगा कि इन चीजों को डिस्ट्रॉय हम ही ने किया है। रफीक नाम के यूजर ने लिखा, ये बड़ी साजिश है, ये लोग धोनी को भी पाकिस्तानी बना देंगे। ऋषिकेश नाम के यूजर लिखते हैं, इस देश में नफरत को छोड़ दिया तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी सर फिर। शैलेंद्र कुमार नाम के यूजर ने लिखा, रवीश जी को धोनी के ऊपर पाकिस्तान की जगह तिरंगा होता तो बात समझ आती। प्रेजिंग इंडिविजुअल प्लेयर इज फाइन, बट अगर इंडिया के हारने का जश्न पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ जश्न मनेगा तो सवाल तो उठेगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि खेल जगत से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।